अभी सोचती है जनता कि अच्छा प्रधानमंत्री, कोई बढ़िया प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। रैली फ्लॉप हुई है या सुरक्षा की चूक हुई है? रैली फ्लॉप हुई है भाई। हाँ। आदमी सुनना नहीं चाहता उनको, कोई पक गया आदमी सुन सुन के उनको। अच्छा, कितना फेंकूंगा असद साहब कहते हैं ना, एक शेख के पास गए, उन्हें पूछा वल्लाह कितना फेंकती है, उन्होंने कहा तुमसे कम फेंकती है। वो वाला हिसाब है। आरएसएस की पहली शाखा समाजवादी, दूसरी शाखा बीजेपी, कांग्रेस जड़ है उसकी। हाँ। संघ की जड़ कांग्रेस है। और बहुत हमारे बलिष्ठ सर, वोट भी देंगे या सुनने आए हैं भाई? वोट भी देंगे, जरूरत पड़ने पर जान भी देंगे, गर्दन भी निछाड़ कर देंगे। और क्या, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, आपको कौन कुछ करेगा भाई? सरकार तो कांग्रेस की थी ना सर, मुख्यमंत्री जब तक तो यही तो है ना। हाँ। अगर सरकार कांग्रेस की थी, ब्रांड है प्रधानमंत्री की मोली, जो रैली थी वो इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वहाँ पब्लिक सुनना नहीं चाहती उनको। नमस्कार, द इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। बरेली में मौजूद हूँ, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ ही देर के बाद रैली होने वाली है। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है, लोगों का हुजूम भी आना जाना शुरू हो गया है और ये मंच सजा हुआ है जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी अपना स्पीच देंगे और उसके बाद सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में चूक हुई थी प्रशासन की या जिसकी भी हो, वो जांच का विषय है। और उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज बरेली में प्रशासन की जो मौजूदगी है काफी मुस्तैद है और इसी को लेकर हम समझेंगे। यहाँ पर मीम के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो है उनसे समझने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। आपका नाम? काशिफ अंसारी, सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं जी। आज बरेली में असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द हुए थे, किस तरह से तैयारियां चल रही है आप लोग? बैरिस्टर साहब एक ब्रांड है, प्रधानमंत्री की मोली, जो रैली थी वो इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वहाँ पब्लिक सुनना नहीं चाहती उनको। अच्छा। ओवैसी साहब को सुनने में सीतापुर से आया है, कोई शाहजहानपुर से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, कोई रामपुर से आया है, ये मोहब्बत है। और प्रधानमंत्री जी को वहाँ के मुकामी लोग सुनना नहीं पसंद करते। वो ट्वीट करके हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि हम जिंदा लौट गए। ये फ्लॉप जो रैली हुई है, अब क्या करेंगे, जान तो बचाएंगे कहीं, प्रधानमंत्री है। रैली फ्लॉप हुई है या सुरक्षा की चूक हुई है? रैली फ्लॉप हुई है भाई। हाँ। आदमी सुनना नहीं चाहता उनको, कोई पक गया आदमी सुन सुन के उनको। अच्छा, नहीं सुनना चाहता। क्या कहेंगे आप कह रहे हैं कि रैली फ्लॉप हुई है, लोग कह रहे हैं सुरक्षा की चूक हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैली देखिए, वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 7,000 कुर्सियां लगी थी वहाँ पे और उसमें 300-400 लोग आके बैठे थे, तो ये रैली फ्लॉप हुई है। अब उसके बाद आप उसको कुछ भी कहो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे आपके पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, आपको कौन कुछ करेगा भाई? सरकार तो कांग्रेस की थी ना सर, मुख्यमंत्री जब तक यही तो है ना। अगर सरकार कांग्रेस की थी, ठीक है, तो इल्जाम लगा दिए आप कि हमारी जान को खतरा हो गया, कैसे हो गया भाई? अरे आपके पास सिक्योरिटी चल रही है, आप प्रधानमंत्री हो, आईजी डीआईजी का फोन नहीं रिसीव। और सुनिए, और सुनिए, जो लोग हमसे कहते हैं कि जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है वो फलाने देश चले जाए, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जी चले जाए, मैं नाम नहीं लेता ऐसे मुल्कों का, मैं ऐसे गंदे मुल्कों का मैं नाम नहीं लेता, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा। तो जो लोग कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो मैं उनसे कहूँगा भाई आप भी कहीं चले जाओ। और क्या, कहाँ भेजना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? नेपाल। नेपाल चले जाओ, नेपाल भेजेंगे आप जी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब सुरक्षित नहीं है इस देश में, दूसरे को जो कहते हैं जो सुरक्षित नहीं समझता है वो चला जाए, पाकिस्तान जाने की बात करते तो आप भी चले जाए नेपाल। सुरक्षा में चूक हुई है ना, आईजी डीआईजी का फोन ही नहीं रिसीव हुआ उस समय। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, रेड प्लस सिक्योरिटी चलती है। हाँ। पीएम मोदी है, कोई मामूली आदमी तो नहीं है, वजीर आजम है इस देश के। बालेश्वर साहब को सुनने के लिए मैं मिर्जापुर से आया हूँ। यहाँ तकरीबन 650 मिनट दूरी पड़ता है, मिर्जापुर से आया हूँ। ये मोहब्बत हमारे बालेश्वर साहब। वोट भी देंगे या सुनने आए भाई? वोट भी देंगे, जरूरत पड़ने पर जान भी देंगे, गर्दन भी निछाड़ कर देंगे। और क्या, अपने सर का एक खून का बूंद का खून पूरा निछावर कर देंगे मायम के लिए। सर जज्बाती होने से जज्बाती नहीं, नहीं, नहीं। अब गए जमाना। हाँ। हम दूसरे के तारी बिछा चुके, झंडा ढो चुके, अब अपना झंडा अपना डंडा। नुकसान पहुंचा तो रहे हो अखिलेश यादव 30% को, 81% की बात नहीं करते हैं लोग, 80% वोट कहा जाता है हमारा। कौन अखिलेश? क्या कह रहे हैं? कौन अखिलेश? मंत्री रहे, वो अखिलेश जिसने मुजफ्फरनगर में मेरी माँ बहनों की इज्जतें लुटवाई, वो अखिलेश जिसने आजम खान मुसलमान नाम था इसलिए सीतापुर हमारी जेल में बंद है, वो अखिलेश जिसने सुनील सिंह को शामिल किया, जिसने कहा मुसलमान औरतों को कब्र निकाल कर रेप करो, उस अखिलेश की बात कर रहे हैं वो अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव से कोई है, मेरा मंच है वो समाजवादी, जो धक्के खाने वाला मंच खत्म हो गया। आजम खान पर आप लोग भी तो सियासत कर रहे हैं ना, छोड़वाइए। सियासत नहीं, मेरा कलमे साथ भाई है, मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ।
उसके लिए बैरिस्टर साहब से लेके मजलिस का एक कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है। ये संघी समाजवाद के शिकार हो गए आजम खान साहब। संघी समाजवादी पार्टी, आरएसएस की पहली शाखा समाजवादी, दूसरी शाखा बीजेपी। कांग्रेस जड़ है उसकी, संघ की जड़ कांग्रेस है और ये सब उसकी शाखाएं हैं समाजवादी। ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि हम कांग्रेस बीजेपी छोड़ के सबसे गठबंधन करना चाहते हैं? भाई देखिए ओवैसी साहब शोषित वंचित समाज की बात कर रहे हैं। ये लोग ना जनता का खा खा के मोटे हो चुके हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो शोषित हैं। जैसे हमने राजभर साहब से बात की कि आपका समाज पिछड़ा है, हमने दूसरों से बात की आपका समाज पिछड़ा, आओ एक स्टेज पर आते हैं और अपना हक लेते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आता। सर आप लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के दामन में खून लगा हुआ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम गठबंधन करने के तैयार, क्या इशारा है? ये क्यों करेंगे? आपको बीजेपी हराना है, हराओ ना बीजेपी, लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि मैं तुमको अपने कंधे पे उठा के चलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी कुर्सी लगेगी तो तुम्हारे कुर्सी के बगल में मेरी भी कुर्सी लगेगी और मैं उससे पैर पे पैर डाल के बैठूंगा और अपना हक लूंगा तुमसे। ये तो उठाऊंगा नहीं मैं। नाम क्या दिए? हमारे 59 विधायक थे, मुजफ्फरपुर दंगा हुआ क्या बोले, सब गुलाम थे। अगर एक विधायक बोला, अगर हमारा अगर विधायक अगर एक भी अगर जाएगा विधानसभा में क्या बोलते हैं वो तितर मार। हमारे वजी साहब ने उनको गोहंडी में उनको सपोर्ट किया, मन से कहा कि आप इनको जिताइए, ये मुस्लिम है इनको जिताइए। आज वही तितर मार अपने आदमी कहता है जिसको मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने पाकिस्तान चला जाए, वो हमारा लीडर हो गया तितरबाज। अखिलेश ने दिए वो तो चमचा है, अखिलेश ने अपनी सरकार में चमचा है, अखिलेश का चमचा है। जिस तरह आजम खान का हाल है ना, देख लीजिएगा इस बार वो आजमी का हाल इस बार होगा। आजम खान का क्या हाल है? जेल में तो है। अरे सर आरोप लगेगा, भैंस चोरी करेंगे, बकरी चोरी करेंगे, जेल ही तो जाएंगे। जो 9 बार विधानसभा विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार सांसद, क्या बकरी चोर, मुर्गी चोर, कॉपी चोर, जमीन चोर, ये बताइए ना। इस सिर्फ एक मुस्लिम नाम पे फंसाया गया है, बदले के भावना के साथ उनको फंसाया गया है। आप क्या कहेंगे? आजम खान जेल में है भाई, आजम खान जेल में, देख लेना मुसलमान क्या हालत हुई है। कहते हैं 11-11 तुम्हारे पास क्या है मंत्रिमंडल थे, क्या हुआ आजम खान का भाई? मैं यही कह रहा हूँ, जब उनके ना हुए ये लोग तो तुम्हारे क्या होंगे? तुमको ये लैपटॉप देंगे, तुमको ये मोबाइल देंगे, इन सब बातों में तुम आओगे? भाई अपनी शिक्षा की बात करो इनसे, ये कहो कि तुमने जो कहा था मुझसे कि मेरी कौम को 18% आरक्षण दोगे, कहाँ है वो आरक्षण? इनसे ये क्यों नहीं पूछते आप लोग? इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि जिन पे केस चल रहा है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कहाँ थे वो सब चीजें? इन सब चीजों की बात नहीं करोगे तुम? तुम हमसे बात कर रहे हो कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी, और बीजेपी को कैसे हराओगे तुम? मैं बता रहा हूँ, ये बताइए 88% उनका है, उनकी बात नहीं करते हैं। अभी 2019 में या तो वोट बीजेपी को गया तो नहीं, मुस्लिम अगर वोट चला गया इधर उधर, क्योंकि मुस्लिम का दर है। जब यादव समाज वोट जाता है बीजेपी को, हमारे दलित समाज का वोट बीजेपी जा रहा है, तो नहीं 80% वोट के पास नहीं करेंगे? 19% के पास भी जागीर है क्या? मुसलमान किसी के पास जागीर नहीं है। अब यूपी में मुसलमान जाग चुका है, अब मुसलमान पतंग काटेंगे कि उड़ाएंगे? उड़ाएंगे इस बार, पूरे यूपी में उड़ाएंगे। अच्छा, और अगर असली अगर गुनाहगार कोई है तो कांग्रेस है, आरएसएस पालने वाले कोई है तो एक मुसलमानों को डर दिखा कर। सही करते हो, एम वाई की बात करते हो, कहते हो एम का मतलब महिला है, वाई का मतलब यूथ है, ठीक है, एम का मतलब महिला है, यानी कि महिला का सम्मान करते हो। तुम्हारी पार्टी में सुनील सिंह का नाम का एक आदमी है, वो कहता है कि कब्रों से निकाल के रेप कर दो, ये महिला का सम्मान है तुम्हारा, उसको पार्टी में लेते हो? और मुलायम सिंह अखिलेश यादव लेते हैं, जो मुसलमानों को साथ कहते हैं हमदर्द है। मुलायम सिंह क्या है? मुल्ला मुलायम किस लिए बनाया था हमने, ये बताइए आप हमें, इसलिए तो बनाया था मुल्ला मुलायम हमारा साथ देते हैं। तो सर आप तारीख है ना बैठ के, अरे ढोंगी है सब लोग, ये कैसी बात करते हैं आप? मुसलमानों को टोपी उड़ा के ना टोपी से काट दिया आपने, मुसलमानों को शिक्षा दी ना रिक्शा, वही वाली बात है, रिक्शा के अलावा क्या दिया मुसलमानों बताइए? 12% आपने कहा था मैं आरक्षण देंगे मुसलमान, आजम खान को 11 मंत्रालय दिए, क्या आजम खान बेचारे साहब कहाँ, ये देखिए ना आप आज जेल में काट रहे हैं, नाम के सिर्फ वो मंत्री थे बेचारे, कुछ और नहीं थे। इसके खिलाफ बताइए, उनसे अच्छे, इनसे अच्छे तो और लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं इधर उधर, ये बताइए आप हमें कहाँ पर हैं आजम खान? आज जेल में सड़ना बेचारे, तबियत खराब है उनकी, क्या पूछता हूँ उनके? जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, खतने में? हाँ, क्या मतलब? जितेंद्र त्यागी कौन है? खतने में नहीं, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी कौन है? खतने में नहीं है, तो एक झूठा क्यों कर रहा है? अगर तुम्हें इतना ही खतरा हिंदू है तो मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दो, हमारे वसी साहब प्रधानमंत्री बना दो, देखो हमारे हिंदू भाई सुरक्षित, मुसलमान सुरक्षित रहेगा, फिर हिंदुस्तान सोनी चिड़िया हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द हुई वहाँ पर,
और कहा जा रहा सुरक्षा में चूक हुई, जान को खतरा था, किस तरह से डर गए थे बेचारे हवा पानी से वो। इसके अलावा क्या है बताइए, डर गए थे और क्या हुआ, ये हवा पानी हाँ भी है, तो कह रहे सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, जान की खतरा था, खिलवाड़ किया गया मेरे साथ, सुरक्षा सब कुछ थी, इससे इतनी बड़ी सुरक्षा आप खुद जानते हैं, जेड सुरक्षा किसके साथ होती है, इन्हीं के साथ होती है, उसमें सुरक्षा में क्या चूक होगी बताइए, हवा पानी तेज आ गया था, लोग पहुंचे नहीं थे उनकी सभा में, तो उन्होंने यही ले लिया, क्या नाम है इसका, बहाना बना दिया, इसी मारे की मतलब ये लोग कहेंगे कि बदनामी होगी, उससे बेहतर है खतरा था मेरी जान को, जिंदा बच गए हम लौट गए वहां, जो देश का प्रधानमंत्री खतरा कह दे खुद के लिए, तो आप समझ लिए देश की जनता का क्या हाल होगा, आप ये बताइए जो अपने लिए जान के लिए कहे खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के, वो सोचेंगे खुद को अपने आप को, मैं क्या कह रहा हूँ, कितना झूठ बोलूंगा, कितना फेंकूंगा, असद साहब कहते हैं ना, एक शेख के पास गए, उन्हें पूछा वल्लाह कितना फेंकती है, तुमसे कम फेंकती है, वो वाला हिसाब है, वो खुद सोचेंगे कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ, तो इस मारे झूठ से उनके पक चुकी है पब्लिक, अभी सोचती जनता की अच्छा प्रधानमंत्री, कोई बढ़िया प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, हम भी चाहते हैं यूएसए इससे सबसे अफ्रीका से ज्यादा आगे बढ़े, क्या यहाँ के युवा तरक्की नहीं चाहता, शिक्षा चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे का आईपीएस बने, लेकिन हमारे यहाँ बनेंगे कैसे, ये प्रधानमंत्री जी किस तरीके से हम लोगों को दे रहे हैं शिक्षा बताइए, ई रिक्शा से हमारे काम क्या चलेगा, बस दो सेकंड, ई रिक्शा से क्या काम चलेगा, अच्छा अच्छा सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तो आपने सुना बरेली की कुछ यहाँ जनता थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ कुछ देर के बाद स्पीच देने आएंगे, हम उनकी तैयारियां कर रहे हैं, और उसके बाद साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि वो कल डर गए थे, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, और जो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है वहां की सरकार पर कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि हम जिंदा वापस लौट गए, इनका जवाब बरेली की जनता ने साफ तौर पर दिया है। द इंडिया टीवी के लिए बरेली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।